अनाति स्वरूप में स्थित मैं आत्मा मस्तक पर मणि के समान चमकते हुए मुझ आत्मा का प्रकाश मुझ आत्मा से निकल चारों ओर मुझ आत्मा का प्रकाश जैसे सूर्य के समान बढ़ता जाता जितना जितना मैं अपने बाबा को याद करती उतना ही मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाता। मस्तक से निकलती हुई तेजस्वी किरणें चारों ओर के वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है। जितना जितना हमारा वायुमंडल शक्तिशाली उतना ही मुझ आत्मा का योग भी सहज हो जाता। इस स्थान का कर ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो गया। मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। त्रिसठ जन्मों के बाद मुझ आत्मा ने अपने अस्तित्व को पहचाना। मैं आत्मा परम धाम की निवासी थी, वही मेरा निवास स्थान। उमंग उत्साह के पंख से मैं आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ उड़ चली ऊपर की ओर। उस स्थान पे जहाँ पहले मैं रहती थी मुझ आत्मा का देश, हम आत्माओं के घर। पहुँच जाती हूँ मैं आत्मा परम धाम। शिव की नगरी, आत्माओं की दुनिया में ज्ञान सूर्य के ज्वाला स्वरूप किरणों के समक्ष में आत्मा इन ज्वाला स्वरूप किरणों के नीचे में आत्मा मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होते जा रहे हैं। 63 जन्मों से विकारों की जो कट चढ़ी हुई है मुझ आत्मा वो उतरती जा रही है। मैं आत्मा आज फिर से ज्ञान स्नान करती बाबा की इन तेजस्वी किरणों से भरपूर होती जाती। ज्ञान के सागर में समाते हुए मैं आत्मा
आज जैसे सारी कमजोरियां मुझात्मा से दूर होते जाते हैं। ज्वाला स्वरूप किरणों में तपती हुई मैं आत्मा एक रस अवस्था में स्थित, एक बाप और एक मैं, दूसरा न कोई। एक बाप का ही साथ, एक शिव से ही प्यार, पतियों का पति, उसकी याद में लगन में आत्मा, डूबती जा रही हूँ अपने बाबा के प्यार में। परम धाम की संपूर्ण पवित्रता मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं आत्मा इस संसार की सबसे अधिक पवित्र आत्मा बन गई। बाबा के साथ मैं आत्मा सुख शांति की दुनिया में अब धीरे धीरे मैं आत्मा नीचे की ओर जाने के लिए, अपना पार्ट बजाने के लिए नीचे की ओर जाते हैं। जब मैं संपूर्ण पावन बनती पावन दुनिया में प्रवेश करती, देवताओं की नगरी में मैं आत्मा देवता स्वरूप में स्थित, चेहरे पर अवर्णीय सुंदरता, देवताओं का साम्राज्य, प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, सुख की दुनिया, संपूर्ण निरोगी दुनिया, जहां न रोग है न दोष है। आत्माएं 16 कला संपन्न, लक्ष्मी नारायण के कुल में मैं आत्मा सोने के महल, हीरे जवाहरातों से जड़ित महल, प्रकृति के पांचों तत्व पावन,
पवित्र दुनिया, चारों ओर विचरण करते देवी देवताएं तो कहीं पुष्पक विमान पे, एक बड़ा सा सुंदर सा महल, उस महल में सिंहासन पर विराजमान मैं देवी देवता स्वरूप में स्थित, अलौकिक सौंदर्य कृष्ण के राधा के समान बच्चे, अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य, पावन धरा, ऐसे 21 जन्म संपूर्ण सुख भोक्ति में आत्मा, सतयुग त्रेता, द्वापर में प्रवेश करते हैं आत्मा, धीरे धीरे कलाएं कम होती गईं, भक्ति काल शुरू हुआ, चारों ओर भक्त गुणगान करते अपने अपने इष्ट देवों को पूजते, अलग अलग धर्मों की स्थापना, द्वापर में मुझ आत्मा को देख रही हूँ, एक विशाल मंदिर, चारों ओर भक्तों की कतारें, उस विशाल मंदिर में मैं चैतन्य जड़ मूर्ति के स्वरूप में, शक्ति स्वरूपा में स्थित मैं आत्मा, परमपिता परमात्मा शिव से प्राप्त शक्तियों के अनुसार मैं सभी भक्तों को वरदानों से भरते हुए, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए, मेरे हाथों से मस्तक से पवित्रता का प्रकाश, शांति सुख की किरणें निकल रही हैं, सभी भक्त आत्माओं पे, मैं एक शक्ति स्वरूपा स्वरूप में स्थित हूँ,
अब यहाँ से मैं आत्मा अपने ब्राह्मण स्वरूप में स्थित कलयुग अंत में परमात्मा शिव का इस धरा पर अवतरण हुआ। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली आत्मा हूँ। कोटों में कोई बाबा ने मुझे आत्मा को चुना, इस विश्व के कल्याण के निमित्त बनाया। इस ज्ञान रुद्र यज्ञ में मुझे सहयोगी बनाया। मैं अपने मन कर्म वचन से बाबा से प्रतिज्ञा करती हूँ, बाबा इस ब्राह्मण जीवन को आपको समर्पित करती हूँ और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो भी सहयोग दे सकते हैं अपनी अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग दे रहे हैं। परमात्मा शिव हम ब्राह्मण आत्माओं को पुनः पावन बनाते हुए इस सृष्टि के चक्र का ज्ञान कराते हुए पवित्र दुनिया की स्थापना करते हुए ये मेरा विशेष जन्म है। बाबा का एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। सबसे बड़ी विशेषता हर ब्राह्मण ने बाबा को पहचाना। ब्राह्मण जन्म में आई अनेक विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए अनेक माया के विघ्नों को पार करते हुए धीरे धीरे मैं अपने फरिश्ते स्वरूप में मैं फरिश्ता संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में स्थित एक बाप दूसरा न कोई की अवस्था में स्थित ज्ञान के पंख लगा मैं फरिश्ता धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ता जाता। इस शरीर से परे इस देह की दुनिया से परे मैं फरिश्ता प्रकाश के शरीर से इस पूरे संसार को सकाश देते हुए जितना जितना मैं फरिश्ता इस संसार से डिटैच उतना ही मैं हल्का होता जाता।
मैं एक दिव्य फरिश्ता हूँ। आसमान में स्थित पूरे संसार को सकाश दे रहे, प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देते हुए मैं फरिश्ता धीरे धीरे ऊपर की ओर समस्त ग्रह नक्षत्रों के बीच में फरिश्ता मेरे दोनों हाथों से शांति का सकाश इन ग्रह नक्षत्रों में जा रहा है। शांति है, शांति है। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। अब मैं फरिश्ता जा पहुँचा सूक्ष्म बदन में। दूर कहीं फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा दिखाई देते, मैं फरिश्ता खिंचा जाता उनकी ओर। पहुंच गया बाबा के समक्ष, बाबा के मस्तक में चमकते हुए शिव बाबा, इस अलौकिक प्रकाश में मैं फरिश्ता समाता जाता। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा के रूहानी नैनों में समा जाता मैं फरिश्ता। तिरसठ जन्मों के बाद आज बाबा से मिलन संभव हुआ। एक चक्र लगा पूरा, तब जाके कहीं बाबा से मिलन संभव हुआ। 21 जन्म देवताई सुख, तिरसठ जन्म के बाद जब मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बनी, तब मैं अपने बाबा के समक्ष संपूर्ण निर्विकारी आत्मा बाबा के हाथ में एक सुंदर सी थाल सजी हुई, बाबा ने उसमें से तिलक लिया और मेरे मस्तक पर लगाया। जैसे ही बाबा की उंगली ने मेरे मस्तक को टच किया, मुझे आत्मा की शक्ति हजारों लाखों गुना बढ़ गई। मैं आत्मा नष्टमोहा बन गई।
बड़ी सी विजय माल बाबा ने मेरे गले में पहनाई। मस्तक पर एक पवित्रता का ताज पहनाया। देखते ही देखते चारों ओर अन्य फरिश्ते यहाँ इमर्ज हुए। फरिश्तों की महफिल। अब मैं और बाबा उन सभी ब्राह्मण फरिश्तों को, उन सभी आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। धीरे धीरे हम फरिश्ते नीचे की ओर उतरते, इस पूरी पृथ्वी को सकाश देते। पूरी पृथ्वी पवित्रता के श्वेत प्रकाश से भर गई। सारे पाप, सारे विकर्म नष्ट होते जाते हैं। धरती पुनः पावन होती जाती है। पवित्र दुनिया की स्थापना होती जाती है। एक एक स्थान पर हम फरिश्ते सकाश देते हुए अब मैं फरिश्ता सूक्ष्म बतन में बाबा के समक्ष। बाबा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका ही बच्चा हूँ मेरे बाबा। बहुत प्यार से बाबा मेरी ओर निहारते। बाबा वो विधि मुझे बतलाओ जिससे मैं सहज योगी बन सकूं। मेरे मीठे बाबा, वो विधि मुझे बतलाओ इससे मैं निरंतर याद में रह सकूं। बाबा हजारों वरदानों से मुझे भरपूर करते हुए बाप को साथी बनाओगे बच्चे। निरंतर याद में स्थित हो जाओगे। बाप की याद ही, बाप का साथ ही निरंतर योग की सहज विधि है। बाबा ने अपने दोनों हाथ मेरे हाथों में दिए। जैसे बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझ आत्मा में भरते जा रहे हैं,
उन शक्तियों को महसूस करें। बाबा के समक्ष मैं उन आत्माओं को इमर्ज करती हूँ जिसको मैंने मन वाणी कर्म से दुख दिया। सच्चे हृदय से माफी, सच्चे हृदय से क्षमा याचना करती। मेरे मस्तक से, हाथों से शांति की, सुख की किरणें इन आत्माओं के ऊपर जा रही हैं। ये आत्माएं सुखी होती जा रही हैं, प्रेम से भरपूर होती जा रही हैं, पावन बनती जा रही हैं। अब बाबा के समक्ष मैं उन आत्माओं को इमर्ज करती हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया। मेरे मस्तक से शांति की, प्रेम की, सुख की किरणें इन आत्माओं तक जा रही हैं। ये आत्माएं सुखी होती जा रही हैं, पावन बनती जा रही हैं। सच्चे हृदय से इन आत्माओं को मैंने क्षमा कर दिया। अब बाबा के समक्ष मैं उन आत्माओं को इमर्ज कर दिया जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। सच्चे हृदय से इन आत्माओं का धन्यवाद। मेरे मस्तक से, हाथों से सुख शांति की किरणें इन आत्माओं तक जा रही हैं। ये आत्माएं सुखी होती जा रही हैं, प्रेम से। बाबा का शुक्रिया करते मैं फरिश्ता, प्रकृति के पांचों तत्वों का शुक्रिया, समस्त ग्रह नक्षत्रों का शुक्रिया, चारों ओर शुक्रिया करते हुए मैं फरिश्ता अपने इस देह का भी शुक्रिया जिसके माध्यम से मैंने बाबा का ज्ञान सुना। शुक्रिया करते हुए मैं फरिश्ता धीरे धीरे अपने देह में समा जाता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।